हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीनट बटर के बारे में और उसको बनाना सीखेंगे और वो भी घर में। गाइस, पीनट बटर हम घर में ही बनाएंगे और वो होगा बिना प्रिजर्वेटिव्स का, बिना शुगर, बिना सॉल्ट एंड बिना ऑयल का, बहुत ही प्योर और बहुत ही हेल्दी। एनी केस, पीनट बटर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है वेट लॉस के लिए भी, और पीनट बटर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन पीनट बटर आपको बहुत मॉडरेशन में यूज़ करना होता है क्योंकि वो हाई इन कैलोरीज है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो फिर वो आपको वेट लॉस नहीं देगा, बट अगर आप उसे मॉडरेशन में यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपकी बॉडी के लिए और वो वेट लॉस में भी हेल्प करता है। गाइस, पीनट बटर जो है वो प्रोटीन का एक एक्सेलेंट सोर्स है। ये लो इन कार्ब्स होता है मगर हाई इन प्रोटीन होता है। 100 ग्राम पीनट्स में 25 ग्राम्स प्रोटीन होता है और इसमें गुड फैट होता है, यानी अनसैचुरेटेड फैट होता है जो गुड फॉर बॉडी है। बहुत सारे विटामिंस, बहुत सारे मिनरल्स एंड ये फाइबर रिच है। फाइबर रिच होने की वजह से ये आपको बहुत देर तक फुल रखता है और सैटिस्फाइड रखता है, एंड इवन आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है और आपका शुगर लेवल बॉडी का जो है वो भी मेंटेन करता है। इसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है वो होता है 23। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ इसके पीछे की साइंस। गाइज, ग्लाइसीमिक इंडेक्स मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स किसी भी फूड आइटम का वो होता है जो बताता है कि कोई भी फूड आइटम आपकी बॉडी में जाकर आपका शुगर लेवल कितनी तेज़ी से बढ़ाता है और कितना लेवल तक बढ़ाता है। तो अगर कोई भी फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 या उससे कम है तो इसका मतलब वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, और अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 एंड मोर है तो इसका मतलब वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड है। तो पीनट बटर जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 23, जो कि है बहुत ही ज़्यादा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यानी कि जब आप पीनट बटर खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में जाकर शुगर को बहुत धीरे धीरे बढ़ाता है, बहुत कम लेवल पर बढ़ाता है। जिससे कि जब आप पीनट बटर खाते हैं तो आपको वो धीरे धीरे ग्रेजुअल एनर्जी देता है और वो आपकी बॉडी में यूज़ होती रहती है और आपको वेट गेन भी नहीं देती और आपका बॉडी का शुगर लेवल भी नहीं बढ़ाती। तो ये बहुत ही एक्सीलेंट चीज़ है। गाइस, पीनट बटर में विटामिन ई, मैग्नीशियम एंड जिंक होता है जो कि एंटी एजिंग है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी रखते हैं। स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है पीनट बटर। एंड इवन इसके अंदर बायोटिन होता है, यानी कि विटामिन B7, जो कि आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है। पीनट बटर गॉल स्टोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, PCOS के केसेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप लोगों को ज़रूर लेना चाहिए। ये आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके, तो इसको मॉडरेशन में आप लीजिए। इसको आप अपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में सैंडविच पर लगा कर खा सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि पीनट बटर आपको स्वीटेंड वाला नहीं यूज़ करना, आपको अनस्वीटेंड यूज़ करना है हमेशा। उसमें शुगर बिल्कुल भी एडेड नहीं होनी चाहिए। बट कुछ लोगों को पीनट से एलर्जी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि अगर आप पीनट से एलर्जिक हैं तो आप पीनट बटर बिल्कुल भी अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करें। तो देखते हैं गाइस किस तरीके से हम घर पे ही बना सकते हैं अपना पीनट बटर, जो कि बनेगा बहुत ही ज़्यादा इजीली, क्विकली। अगर आपके पीनट्स जो हैं वो रोस्टेड हैं तो लिटरली 1 मिनट लगता है इसको बनाने में, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स एंड शुगर भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा क्विक बनेगा और बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव बनेगा। तो देखते हैं गाइस इसको मैं किस तरीके से बनाती हूँ, देखते हैं इसकी रेसिपी। पीनट बटर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक पैन ले लिया है मैंने, 1 कप पीनट्स ले लिए हैं मैंने यहाँ पे। इसको रोस्ट कर देंगे हम अच्छे से। जितने अच्छे से हमारे पीनट्स रोस्ट होंगे उतना ही अच्छा हमारा पीनट बटर बनेगा और उतना ही अच्छा उसका टेस्ट होगा। सिम या मीडियम फ्लेम पर हमें रोस्ट करना है। देखिए इस तरीके से ये रोस्ट हो जाएंगे, यहाँ मेरे पीनट्स रोस्ट हो गए हैं बहुत अच्छे से। अब इसको हम एक प्लेट में कर लेंगे ट्रांसफर और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे हम थोड़ी देर के लिए। अब ये पीनट्स ठंडे हो गए हैं। मैंने एक टावल ले लिया है, कोई भी टावल या कोई भी कपड़ा आप ले लीजिए, उसके ऊपर पीनट्स आप रख लीजिए। अब इसको हम रब करेंगे जिससे इसका जो ऊपर का पील है वो सारा का सारा निकल जाएगा, तो इसका छिलका हम निकाल देंगे। ये देखिए, अब इसको हम छान देंगे किसी भी छन्नी के साथ।
एक अच्छा सा हाई पावर का ब्लेंडर जार ले लेंगे हम, ये पीनट्स इसमें डाल देंगे और इसको हम ब्लेंड कर देंगे। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी है, अभी ये बना नहीं है, मैं आपको मिडिल में दिखा रही हूँ। अभी ये ऐसी कंसिस्टेंसी का हो गया है, अभी हमें और ब्लेंड करना है ताकि पीनट्स का ऑयल निकल आए। इसको ब्लेंड कर देते हैं फिर से। हाँ, पीनट बटर इज एब्सोल्युटली रेडी, सो सो सिंपल। ये कंसिस्टेंसी रखी है मैंने अपने पीनट बटर की। आप चाहें तो इसे थोड़ा क्रंची भी रख सकते हैं, आप थोड़ा पीनट्स को कम ग्राइंड कर सकते हैं, बट मैंने इसे स्मूथ बनाया है एंड इट टेस्ट सुपर यम्मी। आप इसको जरूर ट्राई करिए गाइज, ये बहुत ज्यादा सुपर ऑसम बनता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स सो सिंपल टू मेक। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी पीनट बटर की रेसिपी? है ना बहुत ही ज़्यादा इजी क्विक, घर पे बना सकता है कोई भी बना सकता है, और बहुत जल्दी बन जाता है ये, एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और शुगर बिल्कुल नहीं है, ऑयल सॉल्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो आप ये जो पीनट बटर घर पे बनाएंगे ना, ज़रूर ट्राई करो आप इसको। आप इसको सैंडविच पे लगा के ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। ये है मेरे सैंडविच की रेसिपी जिसमें मैंने फ्रूट सैंडविच बनाया और पीनट बटर लगाए, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है फ्रूट सैंडविच के साथ। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, या फिर आप इसे कॉफ़ी में डाल के यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, ये मेरी रेसिपी है, आप इसमें इसको कॉफ़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। या आप मुझे आइडियाज़ बताइए, कोई इनोवेटिव आइडिया जिससे हम पीनट बटर जो है अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप अपना पीनट बटर कैसे कंज्यूम करते हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हम सब हो जाएँ फिट एंड हेल्दी। और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप ज़रूर मुझे फॉलो करिए, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्यों नहीं करा भाई, फटाफट से करिए सब्सक्राइब और साथ में बेल बटन भी दबाइए जिससे कि आप मेरी कोई भी आगे आने वाली वीडियो मिस ना करें। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में जिसमें मैं आपके लिए लेके आऊँगी घर में घी कैसे बनाते हैं। अब हम घर में ही बनाएंगे सब कुछ, बहुत ही हेल्दी बनेगा वो, बिना प्रिजर्वेटिव्स के बनेगा, बहुत इजीली बनेगा, आपने सोचा भी नहीं होगा इतना इजीली बनेगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, बाय फॉर नाउ गाइस।